आप बोले सर मेरी ज्वाइनिंग है सुबह की, सर मेरी ज्वाइनिंग है सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जाएंगे हमारे भाईजान समीर भाईजान। हाय अस्सलाम वालेकुम। तो समीर भाईजान बताएंगे आपको कि हम कहाँ जाएंगे और कैसा जाएंगे। हम गांव से जा रहे हैं भुसावल और आप जाएंगे गोवा बाय ट्रेन। तो आपने सुना भुसावल में जाऊँगा, भुसावल तक के मैं इनके साथ जाऊँगा और फिर भुसावल से हम ट्रेन लेंगे अपने गोवा तक। और वह पूरी एक जर्नी है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो होप कि आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब बुध हो रहे हैं गाड़ी जिसके अंदर हम जाने वाले हैं और शाम के बज गए हैं 6:27। ये आ गई है हमारी चाय, अब जो है वो चाय पी करके हम निकलेंगे। ये हमारा लगेज भी बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। हंसा भी जाएगी हमारे साथ तो वो भी बिल्कुल रेडी है और मसना नींद में से उठाए हमको छोड़ने के लिए। ये है गाड़ी जो बिल्कुल तैयार है अब जाने के लिए। अब्बू ने तो बेचारों ने धो करके इसको पूरा रेडी किए थे और इसी में हम जाएंगे भुसावल तक। मैं फ़िलहाल इसमें जा रहा हूँ। तो पीपलगांव से हम लोग निकल गए हैं गाड़ी में। मैं इसलिए स्पीड से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारी लंबी जर्नी है जो आपके साथ शेयर करना है। तो फाइनली हम निकल गए हैं अपने गांव से, पीपलगांव से, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हमारे को। मैंने अभी आपको बताया तकरीबन 7:00 अभी, 7:01 हो रहा है और हमारी ट्रेन 10:55 पर है भुसावल से। तो देखते हैं, अभी तो ट्रेन का मुझे अभी मैसेज आया है कि ट्रेन का जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो वहीं जा करके अब देखते हैं क्या एडजस्ट होता है। तो बिल्कुल रास्ते में निकला, अभी तक चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ था और जस्ट 2 मिनट पहले मुझे मैसेज आया है। भुसावल पहुंचने वाले हैं। तो सफ़र में ऐसा होता है कि जब आप घर से निकलते हैं तो दिल बहुत भारी हो जाता है आपका, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑन द कैमरा आपको दिखा नहीं सकते, ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती होंगी, लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा अपने दिल को मोटिवेट रखें और आप अपने गोल पर फोकस रखें। तो उससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली ये जो छोटे छोटे हर्डल्स है ये इसको आप पार कर जाएंगे। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि छोटे ख्वाब देखना जुर्म है। तो जब भी आप ख्वाब देखें तो बड़े ख्वाब देखें, छोटे मोटे गोल ना बनाए, छोटे मोटे ख्वाब ना सजाए, बल्कि जब करना ही है तो कुछ बड़ा करके दिखाए। यूट्यूबर है क्या आपका चैनल है क्या? जी हमारा टेक्निकल चैनल है। अच्छा। तो मुझे जीशान भाई का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो हमारे सब्सक्राइबर है, उनको मेरा नंबर मिला। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके कॉल्स आते हैं और आपकी मोहब्बतें मिलती है तो बहुत अच्छा। मैं आपका नंबर सेव करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक्स वगैरह डालिए आपकी। बिल्कुल हम डालते हैं आपको भाई। जी जी मेरा तो ये है समीर भाईजान का घर जहाँ पर हम पहुँचे भुसावल के अंदर। किट्टू और ये किट्टू है, ये था हमारा डिनर जो चिकन बिरयानी था। और डिनर करने के बाद कुछ बातें उनकी वहाँ पर की, अंकल आंटी से मुलाकात की और फिर हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि हमको गोवा जाना था। तो हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था और समीर भाईजान मुझे छोड़ने के लिए आ गए हैं। तो ये है भुसावल का रेलवे स्टेशन।
तो पहले हम निकालेंगे जनरल का टिकट और उसके बेसिस पे हम बात करके जाएंगे। जब टिकट की लाइन बहुत लंबी हो तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस तरह से ऑनलाइन इस तरह के डिवाइसेस लगाए गए हैं कि आप UPI स्कैन करके आप टिकट निकाल सकते हैं और आप बहुत जल्दी से अपना टिकट हासिल करके निकल सकते हैं। तो मैंने भी वही किया और अब टिकट लेकर हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो जो ऑनलाइन टिकट हमने निकाला था, देखिए वेटिंग में था और कंफर्म नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हमने उसके साथ निकाला है ये जनरल टिकट, वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाया वो मशीन के ज़रिए हमने निकाला था। अच्छा, स्टेशन हमारा स्टेशन है ना। सो फाइनली ये आ गई हमारी ट्रेन। पहले हम गए स्लीपर कोच की तरफ, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि वो बिल्कुल जनरल डब्बा बना हुआ था, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हम जा रहे हैं इसी कोच की तरफ। सर मेरा टिकट था यहाँ पे लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, वो ऑनलाइन था तो कैंसिल हो गया। लेकिन कल मेरा जॉइनिंग है गोवा के अंदर और स्लीपर के अंदर बैठूंगा है, जनरल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। एसी में मैं दे ही नहीं पाऊंगा आपको, तो आप अगर कुछ एडजस्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा। स्लीपर में अगर आरएसी लगा हुआ है सर, सर प्लीज़ सर, सर आप बोले सर मेरी ज्वाइनिंग है सुबह की, सर मेरी सर मेरी ज्वाइनिंग है सर प्लीज़। हमने सर से रिक्वेस्ट की लेकिन आप भी जानते हैं एक रूल भी होता है, तो उन्होंने हमको बैठने नहीं दिया और हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो हमारी ट्रेन जो है वो छूट गई, मैंने आपको अभी क्लिप बताया। तो पता नहीं अब क्या होता, मैं सरप्राइज था आप लोगों के लिए कि मैं क्यों जा रहा था गोवा, लेकिन अब देखेंगे कल सुबह अगर कोई गाड़ी मिलती है तो उससे निकलेंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो भाई ये हमारी गाड़ी है और हम ये भुसावल स्टेशन पे आए थे और पता नहीं हमारे को शायद आधा घंटा के करीब हुआ होगा और भाईजान ने हमसे 50 रुपये ले लिए। अब जब उनसे पूछे कि 50 चार्जेस कैसे, तो बोले आधे घंटे के ऊपर हुए तो 50, उसके नीचे हुए तो कुछ 30-40 रुपये वो लेते। लेकिन ऐसा कोई रूल यहाँ नहीं है कि वो पर्ची कटाएंगे, एंट्री टाइम लिखेंगे या बाहर जाने का टाइम लिखेंगे, क्या बोलते हैं सही बात है ना। अब पार्किंग भर जाएंगी इसके कल से। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा और मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैं गोवा पहुंच पाता हूँ या नहीं पहुंच पाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।